हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर 9th, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, हमारे मूलभूत अधिकार, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी ड्यूटीज़, राजनीतिक के मार्गदर्शन सिद्धांत है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि हम जो आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर वी है स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो हमें यहाँ पे कुछ जो चीज़ें बताई गई है, जो इम्पोर्टेंस बताया गया है, उसमें क्या बताया गया है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब हमारे राइट्स क्या, हमारे ड्यूटीज़, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी पॉलिसीज़ क्या है। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या बोल सकते हैं, मानव अधिकार जो लोगों को मिल सके, तो जिसके लिए हम काम करते हैं अपनी सोसाइटी में, इन्वायरमेंटल विच अनेबल ग्रो इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स टू बेस ऑफ टू द राइट्स, तो सारी चीज़ें हमें मिल सके जिसके बेस पे हम लोग काम कर सके, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स में 10 दिसंबर 1949 सेलिब्रेशन टू ह्यूमन राइट्स ऑफ डे, तो वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कि जिसमें सब अपना फंडामेंटल, अपने राइट्स बता सके, अपने मूलभूत अधिकार बता सके। जिस तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि लोगों की जो सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरत होती है, जो नीड्स होती है, वो क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, फूड क्लोथ शेल्टर एजुकेशन हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छे मिल सके। ओके, अब हमें यहाँ पे राइट्स बताए गए हैं, तो फर्स्ट राइट्स है राइट्स ऑफ इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, द राइट्स ऑफ इक्विलिटी द फंडामेंटल राइट्स, द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल राइट्स दिया जाना चाहिए। जैसे इंडियन सिटीजनशिप में बताया गया है कि लोगों को अपना मूलभूत अधिकार मिल सके, एक सबके लिए एक जैसे, मतलब रूल रेगुलेशंस बनाए जा सके, सब आराम से रह सके, तो सबके लिए इक्विलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है जैसे कि कानून सबके लिए समान है, जैसे प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक व्यक्ति के लिए कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, सबके लिए एक ही जैसी सजा रखी गई है कि अगर किसी ने किसी कानून का उल्लंघन किया तो उसके लिए सब फैसला न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव अ सर्टन प्रिविलिंग्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हमें आगे के पॉइंट्स बताए गए हैं कि जिसमें कि वो अपने जैसे कि कानून की रक्षा कर सके, उसका अर्थ क्या है, हम उसका सम्मान, हमें उन्हें की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस तरीके से हमको लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, इक्वलिज्म मतलब कि किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए, आप चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जिसमें कि हम डेवलपमेंट कर सके, एजुकेशन पर हम लोग डेवलपमेंट कर सके, तो ये सारी चीज़ें, जैसे नो सिटीजन्स बाय टू द अब यहाँ पे रिलीजियन कास्ट वगैरह सब एक जैसे होकर रह सके, इसलिए हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसमें यहाँ पर समाज में मानवीय भेदभाव के जैसे कि नाम से आगे, जैसे कि सर, दीवान जी, राय बहादुर आदि स्वतंत्र क्षेत्रों में योगदान देने वाले सिद्धियों को प्राप्त कर भारत सरकार में पद्मा आभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री सम्मान पूर्वक जिन्हें मिला था, जैसे कि कई सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को दी गई थी, वीर चक्र मिला था, तो जिस तरीके से उन्होंने काम किए उस तरीके से उन्हें सारी चीज़ें मिली गई थी। अब देखिए, प्रोविजन बाय टू द स्पेशल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू द ग्रुप एंड क्लास लेवल, टू द एग्जाम्पल्स हियर, टू द एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर्स, इंश्योरेंस एजेंसी, वुमेंस, बाय टू द प्रिंसिपल, इक्वल पे, बाय टू इक्वल वर्क, बाय टू द आर्टिकल्स, तो सब लोग अपना काम अच्छे से कर सकें। राइट्स ऑफ फ्रीडम, तो राइट्स ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हो सकता है कि इंसान अपनी स्पीच दे सके, आराम से रह सके, उसके बाद में फ्रीली, मतलब उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशंस नहीं लगाया जा सके, और स्वतंत्रता रूप से घूम सके, इस तरीके से हम जैसे लोगों को फ्रीडम दे सकते हैं, जैसे कि उनकी हेल्थ हो गई, लाइफस्टाइल हो गई, सारी चीज़ों को लेकर हम उन्हें आसानी से फ्रीडम मिल सके, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। चलिए, राइट्स बताए गए हैं, अब हमें बताया कि हम शोषण के विरुद्ध, मतलब जो हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध, मतलब हम एक्शन ले सकें,
तो जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत में प्रत्येक नागरिक उसकी इच्छा अनुसार अपने मनपसंद स्वीकार कर सकता है, उसे धर्म प्रचार को पालन कर सकता है, लोक स्वतंत्रता रूप से जी सकता है। उसके बाद में उसे कोई भी राइट्स जैसे कि लेना है तो अपना कर्मकांड, प्रार्थना, पूजा स्वतंत्रता रूप से वो सारी चीज़ें कर सकता है। उसके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं लगाया गया है। ओके, है ना? तो वो सारी चीज़ें अपने लिए कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया, जैसे शोषण किया जाना, जैसे मजदूरों को कानून बनाना उनको अपराध के लिए, जैसे बालक, बच्चों और क्या बोलते हैं, स्त्री को ज़बरदस्ती कार्रवाई करना, तो इस इच्छा के विरुद्ध हमको जैसे वेतन देना, तो ये जैसे मजूरी वसूल की जाती थी, कर वसूल किया जाता था, तो उन्हें क्या ज़बरदस्ती सारा काम करवाना, तो इस ये सारे एक रूल के अंदर आता है कि जो ये गलत काम करवाते हैं उनको पनिशमेंट दी जाती है। ओके, उसके बाद राइट्स मतलब फ्रीडम, मतलब अपनी लाइफ इंजॉय कर सके, आराम से अपनी लाइफ जी सके, अपना धर्म मान सके, अपना कल्चर मान सके। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स तो सबको पढ़ने के लिए, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है, वो अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज के लिए वो अपनी स्टडी कर सकता है, वेल एजुकेटेड हो सकता है, तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पे फ्रीडम दी गई है। तो इसका जो एक्ट बनाया गया है वो एक्ट 123 पे बनाया गया है। तो सबको अपनी फ्रीडम बताई गई है, राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि उनको अपनी रेमेडीज बताई गई, अपने अधिकार, संवैधानिक अपना अधिकार मान सके, जैसे कि सबने अपने अधिकार की व्यवस्था की गई है, स्वतंत्रता रूप से अपने अधिकार का अर्थ नहीं है, इसीलिए अधिकार के भंग अथवा उल्लंघन के बदले सीधे उच्च न्यायालय जाकर शिकायत कर सकते हो। उसके बाद में मूलभूत अधिकार के सुरक्षा के महत्वपूर्ण जिम्मेदार जैसे कि सौंपी गई है, इस संदर्भ में आवश्यकता पड़ने पर योग्य आदेश, आज्ञा पत्र आप जारी कर सकते हो, इसमें आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान की आत्मा के सम्मान, जिस तरीके से कि हम अपनी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचाने का काम कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग टू फंडामेंटल राइट्स जो हमें गवर्नमेंट देती है सेंट्रल ऑफ स्टेट लेवल पे। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो हमें हमारी ड्यूटीज़ बताई गई है। तो ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे मूलभूत कर्तव्य है जिसमें हमें बताया गया है, पहला कि संविधान का पालन करना, संविधान में व्यक्त आदर्शों एवं संस्थाओं में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज आदि सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहा। सेकेंड पॉइंट हमें बताया गया है यहाँ पर कि स्वतंत्रता संग्राम के उत्तर विचारों तथा प्रेरणादायी आदर्शों का आदर कर उनके अनुसार आचरण कर सके। उसके बाद में हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन यूनिटी बाय टू इंडियन, तो जिस तरीके से हम अखंडता समर्थन करने के लिए उसकी रक्षा कर सके। उसके बाद में राष्ट्रीय में हम एक्टिव होकर उसमें शामिल हो सके, सारी चीज़ें हम एक्टिव होकर कर सके। भारत में हम लोग मिलकर भाईचारा रखकर रिलीजियन मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके। उसके बाद में हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय की संस्कृति विरासत की हम सुरक्षा कर सके, हम उसकी वैल्यू समझ सके। उसके बाद हमें बताया गया द प्रोटेक्शन बाय टू इन्वायरमेंटल रिवर्स बाय टू द अदर्स। उसके बाद हमें यहाँ पर डेवलपमेंट बाय टू द साइंटिफिक टेम्परेचर्स बाय टू अदर्स, तो जिसके लिए हम अनुसंधान का विकास कर सके। फिर यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टीज़, तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को हम हिंसा न दें, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। उसके बाद हमें बताया गया है कि हम व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों का उत्कर्ष प्राप्त कर उस सिद्धियों की प्रगति कर सके, इंडिविजुअल सारी चीज़ें अचीवमेंट्स ले सके। उसके बाद में प्रोवाइडिंग बाय टू द अपॉर्चुनिटी एजुकेशन हर चाइल्ड, तो जिस तरीके से बच्चों को मुक्त शिक्षा दे सके माता पिता का कर्तव्य है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बताई गई है कि ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है? अब हमें प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ पॉलिसी, तो प्रिंसिपल्स बताए गए, तो राजनीतिक मार्गदर्शन, तो राजनीतिक मार्गदर्शन का मतलब होता है कि हम उनका काम कर सके, उनके कानून मान सके, उन सारे चीज़ों को मतलब न्यू गाइडलाइंस ऑफ टू द प्रिंसिपल द प्रोवाइडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंशल टू प्रिंसिपल टू लॉ ऑफ स्टेट बाय टू द फंडामेंटल्स, तो ये सारी चीज़ें हम कर सके। अब हमें प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल फर्स्ट बताया गया है। तो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कि हम किस तरीके से मतलब अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो जिस
हम अपने समाज के लिए कौन सा सिटीजनशिप के लिए किस तरीके का काम कर रहे हैं, नियंत्रण का विभाजन करना, संपत्ति साधनों को केंद्रकरण न कर अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, उसके बाद में इक्वली प्ले बाय टू द इक्वल वर्क बोथ द मैन एंड वुमेन, मतलब दोनों के लिए एक समान काम हो सके और एक समान उन्हें पैसे भी मिल सके। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारियों की मतलब भागीदारी उन्हें मिल सके, तो ये सारे काम यहाँ पर किए जाने चाहिए। प्रोटेक्शन बाय टू द चिल्ड्रन यूथ बाय टू द इन्वायरमेंटल, जो हम हमारे यहाँ पे सारी चीज़ों का काम कर सके, एजुकेशन लेवल को लेके सारी चीज़ों, जैसे कि यहाँ पे हो गया कृषि मतलब एग्रीकल्चर लेवल के बारे में भी, एग्रीकल्चर के बारे में हम और सोच सके कि किस तरीके से हम नई नई टेक्नोलॉजी ला सकते, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। सोशल पॉलिसी, सोशल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, संबंधित सिद्धांत, जैसे कि यहाँ पे जो जातिवाति को लेकर, जैसे कि क्लास वगैरह को लेकर जो होता है, एजुकेशन इकोनॉमिकल राइट्स ऑफ, तो ये प्रोटेक्शन बाय सोशल, तो इस तरीके से हम कुछ काम कर सके कि जैसे एजुकेशन को लेकर हम आगे ला सके, तो जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर भरण पोषण, विवाह, तलाक, ये सारी चीज़ें जो हो रही है उनको किस तरीके से रोका जा सके, उसके लिए हम कौन कौन से और नए रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल्स, तो पॉलिटिकल रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग हम अनस्टेब्लिश टू द लीडरशिप ऑफिसर बाय टू द प्रोवाइडिंग टू वर्क टू फ्री, और किस तरीके से फेयरनेस कर वो काम कर सके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एजुकेशन एंड कल्चर पॉलिसी, तो एजुकेशन और कल्चर पॉलिसी के रूप में काम कर सके, जैसे कि अपने, उसके बाद में यहाँ पे हम एजुकेशन लेवल पे, मतलब एजुकेशन लेवल पे कि सबको पढ़ना ज़रूरी है, तो फंडामेंटल राइट्स लगा सके। उसके बाद में जैसे कि सब अपने कल्चर्स को लेकर काम कर सके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ओके, प्रिंसिपल्स बाय टू द हेल्थ पॉलिसी, तो हेल्थ को लेकर सब हार्मफुल हो सके, अपने हेल्थ का ध्यान रख सके, तो जिसके अंदर लोगों के स्वास्थ्य पोषण का सुधार, सार्वजनिक व्यवस्था की जानी चाहिए, लोगों को जैसे शराब और जो तम्बाकू वगैरह ड्रग्स वगैरह है तो उन पर रोक लगानी चाहिए, और प्रदूषण को कम फैलाना चाहिए, जंगल इन्वायरमेंटल्स बचाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए कि जिससे लोगों का नुकसान ना हो सके, और लोगों को अलग तरीके के मतलब गाइडेंस देनी चाहिए कि वो किस तरीके से लोगों को अनस्टेब्लिश कर सकते हैं, मोटिवेशंस करना चाहिए, फ्यूचर्स ऑफ बाय टू द सोसाइटी टू गाइडलाइन ऑफ टू द, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे लीडरशिप के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का काम हमें करना चाहिए, कोई विरोध नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो, तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, थैंक यू।